हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ सन टैन रिमूवल रेमेडी शेयर करूंगी। जी हाँ, आप इसे अपने फेस के साथ साथ पूरे बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आपको टैनिंग हो गई है। जी हाँ, ये आपको पुरानी से पुरानी टैनिंग भी जिसे हो गई है तो उसे भी रिमूव करेगा। साथ में ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं वो आपके घर में, आपके किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और बहुत आराम से आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार या रेगुलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये नेचुरल तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ में ये आपके टैन को रिमूव करेगा, रंग को निखारेगा और साथ में फेशियल हेयर है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई चलिए दोस्तों, देखते हैं बढ़िया से टैन रिमूवल रेमेडी को मैं बनाने के। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अपना फेस पैक, सन टैन रिमूवल फेस पैक बनाएं के लिए बेसन, बेसन मैंने जैसे 1 चम्मच इसमें ऐड किया तो 1 चम्मच मैं इसमें और ऐड करूंगी। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लेंगे वो है दूध। जी हाँ, हमें दूध लेना है। दूध हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा दूध, मैं आपको कप से इसलिए दिखा रही हूँ। हमें इसका पेस्ट बनाना है तो बस हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध बहुत अच्छा होता है, मेरे स्किन के लिए क्लिनजिंग का काम करता है। आपके जो पोर्स होते हैं उसको डीप क्लीन का काम करेगा। बेसन के बारे में आप भी जानते हैं कि बेसन कितना अच्छा होता है। हम इसे एज अ फेस पैक हमारे जो टैनिंग को रिमूव करता है, बहुत ज़्यादा रंग निखारता है और सदियों से इसका इस्तेमाल होता आया है हमारे इंडियन कल्चर में। बेसन का, बेसन को हम एज अ फेस पैक यूज़ करते हैं, एज अ उपटन में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं स्किन के लिए, हमारे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम इसे बेसन का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ हम जो इसमें ऐड करेंगे वो है टमाटर। जी हाँ, मैंने यहाँ पे टमाटर की खूबियों के बारे में मैंने इससे पहले भी बहुत बार वीडियो में आपको बताया है, तो टमाटर की खूबियों के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि टमाटर में क्या पाया जाता है और स्कार्स को लाइट करेगा। और ये टैनिंग के लिए सबसे अच्छा, अगर मैं बोलूँ सबसे अच्छा ही फेस पैक है। अगर आप टैन चाहते हैं इंस्टेंट, अगर रिमूविंग चाहते हैं कि आपके फेस पे अगर कहीं टैनिंग हो गई है, बॉडी पे टैनिंग हो गई है, तो कुछ ऐसा पैक चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ट्राई करिएगा। और तीसरी और लास्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी में इसमें 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे और इसका खूब अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम। हमारा बढ़िया सा सन टैन रिमूवल फेस पैक बन करके तैयार है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको रेमेडी बनाने बताई है आपको इस तरीके से बना लेना है और लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से जैसे है, आपको इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, बहुत पतला नहीं बनाना, तो बस मैं आपको अपने हाथों से इसे लगा करके बता रही हूँ। आपको इस तरीके से आपके जहाँ भी टैनिंग हो रखी है आपको वहाँ पे इसे अप्लाई करना है। फेस पे है तो आप फेस पे लगाएंगे, बॉडी पे है तो आपको इस तरीके से बॉडी पे लगाना है। मैं अपने पूरे हाथों पे आपको लगा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से इसे लगाना है और इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। ये 10 से 15 मिनटों में आराम से सूख जाएगा। और मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आप लगाने चाहते हैं इसके और ज़्यादा इफेक्ट चाहते हैं तो आप इस फेस मास्क को या बॉडी जो रिमूवल है आपका टैन रिमूवल रेमेडी, इसको बना करके आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इस तरीके से जैसे मैंने इसे लगा लिया है, इसे मैं लगा करके छोड़ दूंगी सूखने के लिए। दोस्तों, फेस पैक हमारा पूरी तरीके से सूख चुका है, अब हम इसे धो लेंगे। तो मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं मेरे हाथों का रंग किस तरीके से निखरा हुआ लग रहा है। जी हाँ, इंस्टेंट जिसे बोलेंगे फेयरनेस आ गई। अब मैं आपको अपने इस हाथों का रंग दिखाती हूँ जिसे मैंने नहीं लगाया है, तो आप सामने देख सकते हैं मेरे हाथों में कितना ज़्यादा फर्क महसूस हो रहा है। इधर का जो हाथ है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल निखरा निखरा लग रहा हो, जबकि इधर का है मैंने इस पर नहीं लगाया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो कितना ज़्यादा साफ लग रहा है। और ये इंस्टेंट आपके फेस की जो टैनिंग रहती है उसको रिमूव कर देती है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद लगाने के बाद आप चाहे कोई सा भी फेस मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रूप मंत्रा का बॉडी लोशन, मैंने शायद इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने इस रूप मंत्रा का बॉडी लोशन यूज़ करी, बहुत अच्छा बॉडी लोशन है। इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे अपने फेस पर, कोई सा भी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरे फेस पे, मेरे हाथों पे एक ग्लो आया। आप इसे फेस से अप्लाई करेंगे, बॉडी पे जहाँ मन चाहे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपको टैनिंग भी बिल्कुल नेचुरल है और आपके फेस पे इस तरीके से इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। इसको लगाने के बाद रंग भी निखर जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी यानी मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।